यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए में साथियों, चिकित्सा विभाग के द्वारा इस वक्त की बड़ी खबर साथियों, बंपर भर्ती का आगाज हो चुका है। विभिन्न पदों पर ये भर्ती होने वाली है, जिसमें सीएचओ के पद शामिल किए गए हैं। सीएचओ एनएम की भर्ती रहेगी, सीएचओ की भर्ती रहेगी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स के साथ विभिन्न पदों पर भर्तियों का आगाज हो चुका है। साथियों, बंपर भर्ती का इन्फॉर्मेशन है वो आ चुका है, तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। साथियों, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के द्वारा 19/9/2024 की अपडेट है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर चिकित्सा विभाग में होगी बंपर भर्तियां। तो साथियों, राजस्थान में भर्तियों का आगाज हो चुका है। बंपर भर्तियां राजस्थान में होने वाली है चिकित्सा विभाग में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन उस कॉल कर, जैसे ही हम कोई अपडेट डाले स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर इन्फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले आप पा सकें और आप अपने सपनों की उड़ान भर सकें। तो साथियों, अगले साल जून तक करीब 45,000 पदों पर पदस्थापन भर्तियों का प्लान। साथियों, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल जी शर्मा और चिकित्सा मंत्री, उन्होंने घोषणा की है कि अगले साल जून तक करीब 45,000 पदों पर पदस्थापन भर्तियों का प्लान है। अब तक सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के 3,108, एनएम के 4,047 पदों पर हो चुकी है पोस्टिंग। इस साल नवंबर में नर्सिंग ऑफिसर के करीब 8,700, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल हॉस्पिटल केयर टेकर के 264 पदों पर होगी पोस्टिंग। तो साथियों, जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है 8,700, उसकी पोस्टिंग लगभग आपको नवंबर में मिल जाएगी, साल के इस नवंबर में मिल जाएगी। इसी साल के नवंबर माह में नर्सिंग ऑफिसर को, मेडिकल ऑफिसर, जो डेंटल हॉस्पिटल केयर टेकर है, उन सबको पोस्टिंग मिलने की संभावना। इसी साल दिसंबर में फार्मासिस्ट वालों के लिए भी खुशखबरी है, 3,066 पदों पर यह भर्ती होने वाली है और मेडिकल ऑफिसर की 1,220 पदों पर होनी है। तो सबके लिए खुशखबरी है कि नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट वालों को भी अब जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी और मेडिकल ऑफिसर की 1,220 पदों पर यह भर्ती होने वाली है अगले साल जनवरी में। तो साथियों, 2025 में भी भर्ती की घोषणा हो चुकी है, जिसमें बंपर भर्ती आने वाली है, जिसमें एनएम की 3,058 पोस्ट, सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 5,260 पद, नर्सिंग ऑफिसर की 2,338 पदों पर होगी भर्ती। अगले साल फरवरी मार्च में सीएचओ और एनएचएम के तहत नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 10,888 पदों पर होगी भर्तियाँ। तो साथियों, नर्सिंग ऑफिसर के नए पद भी आने वाले हैं 2025 में, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर के 5,260 पदों पर, सॉरी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 5,260 पदों पर और नर्सिंग ऑफिसर के 2,338 पदों पर और एनएम के 3,058 पदों पर ये 2025 में घोषणा की गई है कि फरवरी मार्च में ये पद है वो जारी किए जाएंगे, ये भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एनएचएम के तहत 10,888 पदों पर ये भर्ती होगी और राज मेस कॉलेज में 3,016 पदों पर भर्तियां होगी। अगले साल जून में आरयूएचएस के स्पेशलिस्ट के 400 डॉक्टरों की भर्ती होगी। इसके अलावा ग्रेजुएटेड, नॉन ग्रेजुएटेड के 6,500 पदों पर ये भर्ती होगी। तो साथियों, बंपर भर्तियां आने वाली है, आपकी क्या राय है? जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है वो बोनस अंक के आधार पर होनी चाहिए या लिखित व मेरिट के आधार पर होनी चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। तो साथियों, राजमेश कॉलेज में भी 3,016 पदों पर भर्तियाँ होने वाली है अगले साल जून में भी। तो साथियों, बंपर भर्तियाँ हैं वो आने वाली है, 400 डॉक्टरों की भर्ती होने वाली है, मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिटी
400 डॉक्टरों की भर्ती होने वाली है। नॉन गेजेटेड गेजेटेड के 6500 पदों पर भर्ती होने वाली है, तो लगभग बम्पर भर्ती आने वाली है 45,000 पदों पर। जो ये भर्तियां अधीन है, जो NM नर्सिंग ऑफिसर के अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं 8,700 पदों पर, उनको ज्वाइनिंग है वो जल्दी मिलने वाली है। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करें, जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। और साथियों, तेलंगाना में भी 2,050 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है 28 तारीख से ही। उसकी अपडेट भी हमने अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी है। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं साथियों। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम नए नए अपडेट आपके लाते रहें। कोई भी समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथियों, टेलीग्राम चैनल बना रखा है नर्सिंग एम नाम से, तो वो भी ज्वाइन करें। उसी के साथ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो वो भी आप ज्वाइन करें। जो भी PDF या अन्य कोई अपडेट होती है भर्तियों से संबंधित, तो हम उसमें अपलोड करते रहते हैं समय समय पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जुड़ी हर भर्ती, नर्सिंग ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, NM, रेडियोग्राफर, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मास या मेडिकल ऑफिसर, अन्य जो भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी भर्तियों की अपडेट होती है, तो हम अपने चैनल पर लाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे आप अपने सपनों की उड़ानें भर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो साथियों, गवर्नमेंट का सपना देख रहे स्वास्थ्य विभाग में उन सभी के लिए जिन्होंने नर्सिंग, NM, CHO, फार्मास, लैब टेक्निशियन, अन्य का सपना देख रहे हैं, उन सभी का सपना है वो जल्दी पूरा होने वाला है। जिन्होंने MBBS कर रखी है और मेडिकल ऑफिसर का सपना देख रहे हैं, उनका भी सपना जल्दी पूरा होने वाला है। तो ये जानकारी थी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। बम्पर भर्तियों का आगाज हो चुका है, 2025 में बम्पर भर्तियां आने वाली है, जिसकी जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से दी है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और टेलीग्राम है वो ज्वाइन कीजिए और अपनी राय भी जरूर दें कि जो आगामी भर्तियाँ होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की, NM की, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की, वो बोनस अंक के आधार पर होनी चाहिए या लिखित परीक्षा प्लस मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, फिर से नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।